नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास ले रहे हैं जी दिमाग के खेल मुन्ना के और डोपामिन के, ब्रेन गेम्स, मुन्ना एंड डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल होता है जो ब्रेन अपने आप छोड़ती है, जैसे मुंह से थूक बनता है ऐसे सलाइवा कहते हैं, अपने आप छोड़ता है। आंखों से टीयर्स निकलते हैं, टीयर ग्लैंड से आंखें अपने आप छोड़ती है। ऐसे ब्रेन डोपामिन नाम का एक हार्मोन फेंकती है, इस हार्मोन से हमें अच्छा लग रहा होता है। बस इसका एक ही काम है कि बस अच्छा लग रहा है यार। और हमारे जीवन में क्या लफड़े यार, बड़ा गंदा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यार, लाइफ में बड़े दुखी हैं यार, ये क्या गेम है। पर इससे ठीक पहले हम 5 मिनट बात करेंगे पिछली क्लास की। पिछली बार बहुत भयंकर कैंपेनिंग हो रही थी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मैं क्या बोल रहा था मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, और बाद में एक दो चीजें छूट गई, तो मुझे बीच में एक प्रश्न पूछा गया कि जी खाना खाने के, यानी फूड एंड हेल्थ की बात की थी, खाना खाने के लिए जो हम हाथ धोते हैं वो हाथ धोने का क्या महत्व है। तो जो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले उस पर बात करेंगे 5 मिनट, ताकि रह जाए, रह ना जाए, ताकि रह जाए तो अच्छा। हमारा स्टमक होता है, उस पेट की एक्सटेंशन होती है जीभ, यानी आपके पेट में कभी कुछ गड़बड़ होती है तो पता लगा जीभ पर छाले आ गए। जीभ पर छाले में जीभ का कोई दोष नहीं है, वो सिर्फ दिखा रही है कि भाई ये पंगा है। अगर आपके पैरों में दर्द है इसका मतलब मांसपेशियों में तकलीफ है। आपके नाभि से जीवन शुरू होता है और 4 आपके ये हाथ और पांव, 2 हाथ 2 पांव, ये आपकी जड़ें और ब्रांचेज हैं। जैसे पेड़ होता है उसकी जड़ें होती है, नीचे चली गई, उसकी बहुत सारी होती है, और हमारे हाथ होते हैं ये ब्रांचेज हैं जिस पर फल लगते हैं। पेड़ नीचे से जमीन से ताकत खींचता है और फल देता है। हमारे हाथ ही हमारे जीवन में फल देते हैं, जो कुछ बनाते हैं हम कहते हैं ना हाथों से बनाया। और शक्ति कहां से लेते हैं, सेवक के द्वारा, पैर चलते फिरते हैं जिसके कारण हमारा जीवन, ये शरीर पूरा चल फिर पाता है। ऐसे ही जो हमारा हाथ है, इस हाथ के पास ये 5-5 एंटीना है, या एंटीनाज है हमारे, 1 2 3 4 5। ये 5 क्यों है, पंचभूत तत्व के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कहानी के अनुसार इन्हें 5 पांडव भी कहा जाता है, जिनको द्रौपदी बांध के रखती है। और 100 किस्म के विकार, जो सारे के सारे दुर्योधन इत्यादि कौरव हैं, उनसे लड़ने के लिए ये संचित होकर साथ चलते हैं। और जीवन के अंदर हम अपने हृदय के द्वारा, ये हाथ हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। आप खुश होंगे, दिल में ताली बजेगी, आप कहेंगे आनंद आ गया, हाथ ऊपर उठेंगे, अपने आप होता है ये बॉडी की कॉन्शियसनेस में। यानी कि ये जो 5 है ये एंटीना है हमारे। आपने कॉकरोच देखा होगा, वो ऐसे ऐसे एंटीना घुमाता रहता है। आपने सांप देखा होगा, वो जीभ फेंकता रहता है एंटीना, वो पकड़ते हैं कुछ। ऐसे ही हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं, ये एक एक उंगली अलग अलग तत्व पे जाती है शरीर में। इसका क्या महत्व है, ये अंगूठा हो गया हमारा, इसके पास अग्नि तत्व है, फायर। ये पहली उंगली है, इसके पास वायु, इसके पास गगन तत्व, गला, इसके पास हमारा भूमि, और ये हमारा जल तत्व होता है। बड़ा सादा कॉन्शियसनेस है, हम कहते हैं शुशु जाना यार, भाई एक नंबर आया, यानी जल से संबंधित, ये स्वतः चलता है। अपनी तरफ से हम कहते हैं कितनी हवा में बंदा, वायु कहते हैं ओ मेरी हवा भाई देख ले, और ये अग्नि तत्व है सिर्फ मेरा, मैं, जहां पर हमें बैटरी मिली है इसलिए कहते हैं ठेंगा ले ले, कुछ नहीं मिलेगा, स्वतः बॉडी करती है। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के हिस्सों को रिप्रेजेंट करती है। जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की थेरेपी होती है, उसमें हाथों का शरीर का बहुत महत्व होता है, उसमें ये सिर माना जाता है, सिर का हिस्सा। अगर आपके सिर में कोई तकलीफ है तो हेड मसाज करना है तो उसकी बजाय अंगूठे का करो, बहुत फर्क पड़ता है। उस तरह हमारी आंख होती है, यहाँ कान होते हैं, किडनी विडनी, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हाथ की मसाज से बहुत चीजों में शरीर में हेल्प होती है। ये हाथों के जो कोने हैं, ये अकेले हिस्से हैं जहां शरीर की कोई भी वेन और नर्व खत्म हुई है। हमारे सिर पर से कोई नर्व जाती है ऐसे गोल घूम गई, एंड पॉइंट नहीं है, अंतिम हमारे हाथ में ऐसे गई रे ऐसे आकर यहीं से वापस जाता है, यहीं से हम सेंसेशन लेते हैं। 200 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारा शरीर में यहां सेंसेशंस, नर्व्स लगे हुए हैं। क्या छुआ, गर्म छुआ, कट मैसेज जाता है, फटाक से प्रोसेस होता है खोपड़ी में, वापस आता है, कहते हैं हाथ हटा लो। यहीं स्पर्श है, इसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, टटोल टटोल के चलते हैं अंधे लोग, यानी कि यहां सेंसेशंस हैं। हर नर्व हर वेन यहां खत्म होती है, इसीलिए ज्योतिष में भी अंगूठियां इसमें पहनाई जाती हैं। ये अलग अलग है, ये बुध का माना जाता है, ये सूर्य का माना जाता है, ये शनि का माना जाता है, ये बृहस्पति और ये शुक्र का, बाकी ग्रह अलग अलग, सब साथ हैं, एक साथ जुड़े। पर ये पंच तत्व जो है, 5 तत्व जिसके द्वारा हम बने हैं, ये एलिमेंट्स अगर खराब हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उंगलियों में, हाथों में सबसे पहले अकड़न आती है। लोगों के ग्रीस खत्म हो जाती है तो जकड़ जाती है हड्डियां, हाथ की हड्डियां जकड़ती है, बहुत लंबा चैप्टर है।
मोटे तौर पे, यानी कि जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए पहली वेन नर्व जो खत्म होती है वो उंगली के एंड पे होती है, अंगूठे के एंड पे होती है। यहां से हमने क्या ग्रास्प किया, यहां से हमने प्रेम सहित कुछ ग्रास्प किया तो प्रेम की एनर्जी ऑन हो जाएगी, क्लेश से किया तो क्लेश की एनर्जी ऑन हो जाएगी। जैसे प्रेम में हम क्या करते हैं, आने दे, खूब आने दे, बहुत चाहिए। क्रोध में हम क्या कहते हैं, मुट्ठी मार दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नो और यस है। तो हम जब ग्रहण कर रहे हैं कुछ, हमारे सनातन धर्म में तो यूजुअली हाथ से खाना ही बताया गया है कि हाथ से खाओ, ऐसे हाथ अंदर डालो, खाने में भोजन को मिलाओ अच्छे से, यानी ये सारे तत्व अंदर जा रहे हैं। अब आज के समय में लोग अक्सर भोजन करते हुए क्या करते हैं, इन तत्वों की ऊष्मा जो गर्माइश है उसमें नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं, बकबक चलती है खोपड़ी में, बहस चलती है, खाना खाते हुए बकवास बातें डिस्कस करने बैठ जाते हैं, सुनते हो जी करते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ये खाना चल रहा है चाहे चम्मच से चल रहा है, चम्मच पकड़ा तो भी एनर्जी यहां गई, चम्मच में होता है दो उंगली टच हो गई, तीन हो गई, लाइक दैट, ऐसे है हाथ पूरा जाता है, उसका एक अलग तरीका माना जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें स्पर्श जा रहा है, भोजन मुंह में जा रहा है, वो हमारे शरीर के हर तत्व को स्टिमुलेट करेगा। अब जो लोग खाना खाते हुए बकबक चल रही है, वो भोजन जो मुंह के अंदर जा रहा है, तो हाथ की उंगलियों के पूर्वे वही एक्सेप्ट करेंगे, वही तंतु ऑन हुए हमारे अंदर, हमारे अंदर की वही एनर्जी के क्षेत्र ऑन होते हैं। इसलिए जब हम किसी से, जैसे हमारे धर्म में ये चीज नहीं मानी जाती कि हाथ मिलाओ, वो कहा जाता है एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, सिर्फ ये कहा जाता है कि ये हाथ है, ये पकड़ते हैं, पैर छोड़ते हैं, तो पैरों को, गुरु के बड़ों के पैरों को छुआ जाए, टच किया जाए, यानी कि सर्किट पूरा होगा, ये राइट हाथ है ये राइट पैर पे जाना चाहिए, ये लेफ्ट हाथ है ये लेफ्ट पैर पे जाना चाहिए। अगर कोई बहुत सामने सम्मानजनक व्यक्ति, पैर छूने का मन नहीं है कुछ भी, तो हाथ जोड़ दिए, यानी कि हमने अपने एनर्जी चक्र अपने ब्लॉक कर दिए, इधर से इधर तक सारे चक्र हमारे अंदर ही ब्लॉक हो गए, दूसरे के सामने हमने कहा नमस्कार भाई साहब हमसे कुछ लेके मत जाना, एनर्जी छीन लोगे नहीं तो आप यार। जो बहुत शक्तिशाली होता है जिसे गुरु का दर्जा बड़े का दिया जाता है, वो अक्सर कहता है जा बेटा तुझे आशीर्वाद दिए, यानी कि हाथ से। आज ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि रेकी के द्वारा, हैंड के हीलिंग के द्वारा, प्राणिक हीलिंग के द्वारा लोगों पर असर होता है, यानी कि हाथ में से कुछ ऊष्मा, कुछ एनर्जी निकलती है और ग्रहण करती है। इसलिए हाथ के टिप्स विशेष तौर पे खाना खाने से पहले शुद्ध रखने, साफ करने, धोने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इस पर जो जो भी लग चुका है, जो सांसारिक चीज है, जैसे किसी ने बड़े गंदे मन से भोजन दिया वो हमने टच किया, किसी ने बड़े प्रेम के साथ दिया तो वो हमने टच किया, तो हमने वही बटन ऑन किया अपने अंदर का। जैसे हम 10 शराबी भाइयों के बीच जाएंगे, मन कर जाएगा पीने का, सत्संग में जाएंगे मन कर जाएगा सत्संग का, मंदिर जाएंगे ऐसे झुक जाएंगे, ऑटोमेटिकली संगत का असर होगा। तो जिसने हमें किस भाव से क्या दिया वो भोजन हम खा रहे हैं, पिछली क्लास में डिटेल इसकी हुई है, वैसे जो हम खा रहे हैं वो वैसे ही शरीर में जाएगा। तो पहली बात, हमें ग्रहण कैसे करना है, किसी ने गलत मन से दिया, बुरा किया, उदासीनता से, घर में अक्सर झगड़े होते हैं, भाइयों में झगड़ा हो गया, पति बाहर से आया बड़े टेंशन में आया, पत्नी ने खाना बनाते हुए खूब कलह मचा रखी है, आज ना छोड़ेंगे हम जोली, आज हम खेलेंगे होली, और वो बैठ करके उसको भोजन खिला रही है, तो वही एनर्जी उसमें जा रही है, मुझे कुछ और सोचा ही नहीं। तो अब क्या होता है कि वो भोजन जा रहा है, अब आप सकारात्मक ऊर्जा से खाएंगे कैसे, पहले हाथ की शुद्धि होगी, उसके पश्चात आप भोजन को धन्यवाद करेंगे, प्रणाम तुझे, हे भोजन तू अमृत है मेरे लिए, तू मुझे जो मिल रहा है आज, ये शरीर में बैठा ईश्वर केला खाता है बॉडी बन जाती है, आप रोटी खाते हो बॉडी बन जाती है, तो यार वो ढंग से बॉडी बनाई हो भाई, ऐसा नहीं हो उल्टी हो जाए, लूज मोशन हो जाए, पेट खराब हो जाए। आपने दवा खाई, किस फीलिंग से खाई, डॉक्टर साहब ग्रहण कर रहे हैं आप, डॉक्टर साहब आप जो दे रहे हो, डॉक्टर साहब बहुत, बस बस बस, कार ट्रक डॉक्टर खिलाता है कड़वी सड़ी गोली, आप मन से खा रहे हो। यह बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि भोजन शरीर नहीं खाता, ब्रेन खाती है, जब वो शरीर के अंदर जाता है गोली फूटती है आप ठीक हो जाते हो, अब आपको उसी डॉक्टर की दवाई लगती है जिसके लिए आपका ब्रेन कहता है यार ये वाला सही है, और बाकी 100 लोग कहते होंगे अबे बिल्कुल झंडू डॉक्टर है साला बेकार, लेकिन आपको उसकी लगती है। हमारी खासतौर से एक मम्मी या दादियां होती हैं घरों में, उनको एक ही डॉक्टर नारंग होता है, उसके पास जाना होता है, खास होता है वो, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस का द्वार खुला हुआ है। तो ये एक्सेप्टेंस यदि आप में होता है तो सबसे पहले हाथ धोना ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाथों की शुद्धि, उसके पश्चात मन की शुद्धि, फिर इन हाथों के ऑरा को आपस में जोड़ दिया जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कई बार लोहे को टच करते हैं तो करंट आता है उन्हें, ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है, ये हमारे अंदर की स्टैटिक एनर्जी होती है। कई लोग जो मोबाइल फोन रिपेयर करते हैं वो यहां पर एक बैंड बांधते हैं, वो स्टैटिक एनर्जी हाथ की, ऐसे मजे की बात है कि हम जब वो ठीक करता है मोबाइल फोन, एक मोबाइल को छूने के बाद दूसरे मोबाइल को छूता है तो पता लगा उसके छूने से वो मोबाइल खराब हो गया, यार और खराब हो गया इसका तो सर्किट ही फूक गया, भाई साहब बंदा रोता है भाई कैसे फूक गया, अब उसे कैसे बताया तो स्टैटिक बैंड नहीं पहना था।
उसके पहनने से क्या होता है, इधर की मोबाइल की एनर्जी दूसरे मोबाइल में नहीं जा पाती और वो मोबाइल ढंग से ठीक कर लेता है। ये कमाल की बात है, हमारे अंदर करंट होता है 1.4 वोल्ट करंट होता है हर सेल में, और हमारे पास 60-70 ट्रिलियन सेल है, कोई 100 बोलता है, कोई 50, लेकिन इतने साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इतनी वोल्टेज हमारे अंदर बनती है। ये कैसे सेट होगी, जब हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी ना आए। इसलिए हाथ धोना, भोजन को प्रणाम करना और खाना खाते समय कोई चिक 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 नहीं करना। ये मेडिटेशन के डे भी कई बार बता चुका हूं मैं, जब आप खाना खा रहे हो और सिर्फ खाना ही खा रहे हो वो मेडिटेशन है। जब आप पत्नी से लड़ रहे हो और सिर्फ लड़ ही रहे हो वो मेडिटेशन है। पत्नी हमसे ज्यादा अच्छी मेडिटेटिव स्टेट में होती है, क्योंकि जब वो ठान लेती है तो फिर वो बस जय रानी लक्ष्मी बाई झांसी। और बच्चे खाना खाते हैं साथ में मोबाइल चलाते हैं, फिर अगर वो मोबाइल में आनंद कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, अगर वो पबजी खेल रहे हैं तो दो धरो इस हाथ के सुबह और दो धरो शाम को इसके, कि बेटा पबजी नहीं ओनली रब जी, चक्कर क्या उसके अंदर कोई वॉयलेंस जा रही है। एक तो आंखों से भोजन कर रहा है वॉयलेंस का, आंखें भोजन करती हैं, नाक भोजन करती है, आप सुगंधित खान मजा आ गया यार फटाफट लो स्वाद आ जाता है ना, तो उनको आंखों का भोजन रोकना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टनेस चाहिए। मेरे पास पीछे किस्सा आया कि जी बेटा बड़ा दुखी कर रहा है, अब मैंने कहा भाई बेटा ले आओ बेटे को अंदर ले आओ भाई। अब बेटा क्या, बेटा तो किंग कॉन्ग बंडी, बाप से भी 8 किलो फालतू वजन का। मैंने कहा यार ये बाप कौन है तुम दोनों में से, कहता जी वो खुद बोला, कहता जी अब तो यही है। मैंने कहा फिर दफा हो जाएगा से, मेरे पास क्या करने आए हो, एक बच्चे का इलाज करने आए हो और ये बच्चा लवारिस है, बाप है ही नहीं। अब हमारे सब मनुष्यों के साथ क्या होता है, हम बड़े दुखी होते हैं किसी टाइम, हम क्या कहते हैं हे भगवान, बाप एक बाप याद आ रहा है, उस बाप को हम कहते हैं हे भगवान तू मेरे दुख हर ले, आज रात की नींद आ जाती है ठीक ठाक बढ़िया हो जाता है, और शायद कल परसों 4 दिन में ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात। यानी एक बाप चाहिए। अब बाप कौन होता है, जो डराता है, जिसका पट्टे का साला डर होना चाहिए। बंदे को ठीक कैसे करो, शेर को भी टेम करता है उसका बाप, रिंग मास्टर उसका बाप है, अगर वो डरता ही नहीं तो प्यार करेगा कैसे भाई, बिना डरे प्यार कैसे होगा। अब डरा के रखा नहीं, तो उसने बोला अब तो यही बाप है जी। मैंने जी बताया हरकत, पता नहीं जी 1 साल पहले मोबाइल छीन लिया था, पर अभी भी इसके जोमेटो और स्विगी चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, और मोबाइल भी है इसके पास, हमें ये भी नहीं पता। मैंने कहा तो क्या यहां पर कानून व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, एसएचओ के पास लेकर आयो, मुझे कोई शिकायत लगा रहे हो यार, तुम्हारा बेटा तुमने बिगाड़ा, भुग दो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। नहीं जी आप कुछ करो, बेटा अंदर आ चुका था और वो तो अपना बैठ ही गया था साले, अखियों से गोली मारूं, बंदा कमाल का मैं। और उसके बाद 20 मिनट जो मैंने माँ बाप की क्लास ली वो तो मेरा फैन हो गया, मेरा जबरा फैन हो गया वो। अच्छा बोला कि हाँ हाँ गलती तो इन्हीं की है, मेरी क्या है। मैंने कहा बेटा साबित हो गया। मैंने कहा अब जी ऐसा इसको उल्टा लटका के रोज ठोको, इतना ठोको कि आपका डर पता, आप इससे डर रहे हो, माँ बाप उससे डर रहे हैं, साला प्यार कहां से होगा, डर ही नहीं है। जब तक आप ईश्वर का डर नहीं लेते, डर कौन सा डर, एक संरक्षक है, ये प्रेमी है, ये हमारा ख्याल रखेगा। ऐसे ही आप भोजन को देख रहे हैं, और भोजन भजन क्या होता है, ईश्वर को साक्षात्कार मान करके उसके सन्मुख कहते हैं तू ईश्वर प्रसाद दे रहा है, उस प्रसाद को ग्रहण करोगे, कैसे ग्रहण करते हो प्रसाद, एक भी ना नहीं होती माइंड में, भोजन कर रहे हैं प्रसाद का कैसे हो रहा है, हाँ प्रसाद भगवान 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 प्रसाद, बॉडी खप से एक्सेप्ट करती है, जबान फटाक से खाती है। अब भोजन करते हैं अक्सर क्या करते हैं बच्चे, नहीं नो नो पास्ता तो है नहीं, पिज्जा नहीं नहीं, इस चक्कर में हमारा शरीर ग्रहण नहीं करता। इसलिए हाँ छोटी बात करेंगे लंबी खींच रही है, कि अपने हाथ धोना इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो टीवी तो चाहिए होता है, टीवी तो देखना चाहिए, टीवी तो बहुत अच्छी बात है, पर टीवी पे आप देख क्या रहे हैं, मतलब उसको देखते हुए आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है बुरा फील हो रहा है क्या फील, तो बस देखो। पर ऐसा नहीं हो कि सास बहू को अच्छा देखते हुए आप कहो हाँ हाँ मरी, शत्रुमुर्ग आ गया था अंदर भी। तो आपने जो भी देखना है आपको एंजॉय करना, आप भोजन कर रहे हैं एंजॉय, बेसिकली तो भोजन के समय भोजन ही होना चाहिए, इसीलिए चौका प्रथा थी कि कुछ नहीं खोपड़ी में डालना। पर आजकल जब तक दिमाग को मुन्ना को भुलाने में ना लगा दे चैन नहीं पड़ता, इसलिए कोई बात नहीं टीवी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि भाई आप अपने भोजन के लिए, हमारी बॉडी ट्रेंड है वो खाना यही ले जाएगी, वो वहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने आप को, बहाने से भुला दोगे परेशानियों को। वैसे तो भोजन आनंद से करना चाहिए, सत्संग से कम नहीं होता। हाँ जी आपकी 70% ऑफ द बिजनेसमैन
जो अपने डिसीजन लेते हैं वो किसी एनालिटिकल एबिलिटी से या किसी नंबर्स को देख के नहीं लेते, वो ज्यादा गट फीलिंग से वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं। यस यस। और सर इसका कोई फूड से रिलेशन होता है, क्योंकि गट तो हमारे फूड से डायरेक्टली रिलेटेड है। भैया तो पिछली पूरी क्लास दोबारा करनी पड़ जाएगी मुझे, क्योंकि जो भी भोजन कर रहे हैं वो पेट में जाके हजम होए। हैप्पी हैप्पी भोजन होना चाहिए, और हैप्पीली खाओगे तो बॉडी फटाक से पचा ले उसे। मतलब क्या ये इंट्यूटिव पावर आएगी सर? क्या ऐसा क्या होता है कि वो जज कर लेते हैं कि मैं ये? मुन्ना स्लीप मोड में होना चाहिए, इंट्यूशन इज ऑलवेज ऑन। तीसरा, नेत्र सदैव काम कर रहा है, मुन्ना को बिठा के रखो थोड़ी देर। कॉमन सेंस जब लगाता है मनुष्य, डीप थिंकिंग में जाता है, क्या सोचता है यार, सारा ध्यान इधर से हटाया, उधर से हटाया, बिजनेस से हटाया, और यार कहीं अंदर जा रहा है, थर्ड आई को खंगाल रहा है वो, कि कुछ उत्तर दे, कुछ सूझ नहीं रहा। जैसे ही आपके ट्रैफिक कूड़ा करकट हट जाएगा, आपको चिज्जी मिल जाएगी पड़ी हुई सामने। इंट्यूशन इज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा होना है। छोटे बच्चे की होना है, आप सब में भी इंट्यूशन आती है, दिन में एक बार, महीने में एक बार, कभी ना कभी तो आएगी हफ्ते में एक बार। लोग कहते हैं सरस्वती सिद्ध थी भाई जब छोटा था, क्योंकि आपका मन पवित्र था। पवित्र मीन्स फालतू की गंदगी इधर उधर, मुन्ना आउट, उसका कोई लेन देन नहीं था। इसलिए वो तो थर्ड आई की चिंता नहीं करो, हमेशा ऑन रहती है। थर्ड आई भी तो बैठ के तो खाना खा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं? हाँ, बैठ के खाओ, खड़े होकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। भोजन करो सबसे पहले आनंद से, फिर नियम पे आओ। नियम अच्छा यही है कि आप आलती पालती मार के खाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये लॉक हो जाता है हमारा, हमारा जो लास्ट पशु चक्र है इसको बांध के रखना जरूरी है। चलते फिरते पशु खाते हैं, इधर खाया फिर इधर चले गए, हमें पशु की तरह बिहेव नहीं करना है। तो खैर, जैसे खाओ सबसे पहले भाव, सबसे भगवान भाव का भूखा है। भगवान कौन, हम किस चीज के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं ना। बेड पे तो भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन का जगह नहीं है बेड। बेड बेसिकली ग्रह होता है केतु, केतु एंजॉयमेंट की जगह है। एंजॉयमेंट सबसे ज्यादा होती है हमारी सेक्स की और नींद की दो, इसलिए भोजन का तत्व उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक तरह से वो ग्रह अपवित्र हो जाएगा, वो स्थान अपवित्र हो जाएगा। तो फिर चेयर पे अगर डाइनिंग पे बैठेंगे तो आलती पालती ऐसे ही? भाई देखो, हिंदू सिस्टम तो खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, उन हमारे तो पूजा पाठ होती है तो भी आलती पालती से होती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वो अपना खड़े होकर करेंगे, बैठे कौन, क्योंकि उनके कल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ठंडी जगह है। ठंडी जगह के लफड़े क्या है, जूते कौन उतारे? अब जूते नहीं उतारो तो आलती पालती कैसे मारो? लोग ये साइंटिफिक चीज समझते नहीं, वो कहते हैं बस खड़े खड़े कर लो। खड़े खड़े पूजा का लिंक नहीं है, ये तो बड़ा करते हैं भजन भजन, हमारे शास्त्रों में तो है नहीं इस चीज का कि भाई बड़ा भजन करो, पर वो पहली सीढ़ी मानी जाती है। चलो यार, बाहर पे ध्यान दे लो, अंदर पे ध्यान बाद में दे देना, कहीं तो कुछ किया। पर अदरवाइज आलती पालती मार के खाना चाहिए, उससे क्या होगा, जिनकी चेकिंग भी हो जाएगी पेट कितना बाहर जा रहा है, क्योंकि पेट बैठने नहीं देगा, फैट होता है यहाँ जांगों का, वो बैठने नहीं देगा, उससे कुछ आग लगेगी शायद। कल से जिम जाओ, दौड़ो भागो, कुछ तो करो, तो कुछ तो सुधारो। मतलब जमीन पर बैठ के खाना चाहिए? नहीं, हाँ। जमीन पे नहीं, धरती गुरुत्वाकर्षण से खींच लेती है सारा कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में ब्रेक चाहिए, तभी तो पहले लकड़ी के आसन पे बैठते थे सारे, कुशा कहते हैं इसको, कुशा घास होती है लकड़ी, ये इस कंबल पे बैठो। और भाई कौन ये सब करे, पुराने जमाने गोबर से लीपे और सेटिंग करे, कहाँ होता वो सब। खाना भी कम खाया जाता है, ये जो घर के बाहर, तो मैं लेडीज की बात कर, पर वो कीर्तन करते हैं सर। अब मुझे नहीं समझ आता, भगवान पे याद करें, वो इतना ज्यादा लाउड होते हैं और इतने ज्यादा बेसुरे होते हैं, उसे भगवान कहाँ से सुनेगा, आप दूसरे को परेशान कर रहे हैं। उनका भगवान बहरा होता है, बहरा ऊंचा सुनता है, मशीन लगाई नहीं लगाई पता ना, तो तेज बोल लेते हैं। जो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो वो आप अपने लिए नहीं कर रहे, वो लोग अपने नजर से देख रहे हैं कि वो हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्या पता उनकी भावना वो किस लेवल पे, किस मतलब उस पे बैठ के कर रहे हैं। उनसे उनका घोड़ा तो आप आगे, वो भी तो मैटर करता है ना, उनको पता ही नहीं उनका घोड़ा भी होता है। जैसे हरे रामा कृष्णा वाले लंदन में भी ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं, वो मगन दिखते हैं बहुत ही, जैसे कभी घूमे मगन है, वो तो कहती है हम वो मीरा बने बैठे हैं, उनको आप पार्ट टाइम मीरा कह लो, पार्ट टाइम मीरा बने बैठे, उनके बात अलग है। जो लाउड स्पीकर लगा के आज रात सोने ना देंगे, भंबोले भंबोले, और सबके कान फाड़ते हैं, बच्चों के पेपर है, कोई गरीब है, कोई परेशान बेचारा नींद नहीं ले पा रहा, किसी का बीमार आदमी को तकलीफ है, कोई दर्दी नहीं है, फिर कहेगा भगवान है, कौन से भगवान को पूज रहे हो, वो तो नंबर बना रहे, बेवकूफी है। जब तुम्हारे हृदय में मर्म नहीं है, धर्म नहीं है, दर्द नहीं है, तो कौन से भगवान की बात कर रहे हो? भगवान ने कब कहा किसी की रात को नींद हराम करो? हाँ, पुण्य कमाना, आज जागरण करेंगे, आज रात तो मैं जागेंगे, बिना दारू के नशे में पड़े होते हैं। कोई सिर पैर है, जबरदस्ती तंग कर रहे बॉडी को, हिंसा है, शरीर को तंग कर रहे, बीमार पड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, खोपड़ी दी गई है, और इस खोपड़ी के ऊपर हमारे को दिए गए बाल,
बाल उड़ भी जाते हैं कई बार, फर्क नहीं, लेकिन बाल इसलिए दिए गए कि यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब जिसके अंदर भट्टी में बहुत लोहे को पिघला दिया जाता है। 1,00,000 केमिकल रिएक्शन एक क्षण में होता है, 1 सेकंड के अंदर हमारे खोपड़े में, और उसकी जितनी भी भट्टी चिमनियां है वो ये बाल है। यहाँ के रास्ते सारा गंदगी बाहर जाती है, इसलिए ब्राह्मणों ने अक्षर बना रखा था शिखा, यहाँ पर एक बालों का गुच्छा निकाल के रखेंगे, क्योंकि 2 ब्रेन यहां जुड़ते हैं और पीछे हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जो ग्रीसिंग करता है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज भेजता है नीचे रीढ़ की हड्डी से ऊपर सिर तक, और फिर यहाँ प्रोसेस होता है क्या करने का भाई, और क्या करने का मीन्स जैसा हमारी बुद्धि है वैसा हम करेंगे, सही करें गलत करें। तो इसलिए हमारे होते हैं फर्नेस, जब ये फूक जाता है तो बाल उड़ जाते हैं, बाल शरीर छोड़ देता है, पर वो पोर्स रहते हैं। इस खोपड़ी के अंदर हमारा सारा साजो सामान है, याददाश्त का, सोच का, वगैरह वगैरह, और इसकी एक्सटेंशन पूरी बॉडी में। जब हमारे शरीर ने यहां कुछ महसूस किया तो एक्चुअली यहां से बताया गया कि यहां महसूस करना है। हमने पेट में कुछ महसूस किया, जबान पर कुछ महसूस किया, तो यहां से बताया जाता है, यानी कि इस खोपड़ी के द्वारा हमारे शरीर को पता चलता है क्या करने का है। अब समय के साथ ये खोपड़ी पैदा हो गई। जानवरों की खोपड़ी कैसे पैदा हुई? जानवर में लगी हुई, वो भोग योनि नहीं है, कर्म योनि, वो भोग योनि है मात्र, कर्म योनि नहीं है। वह आए भोगना है, खाया पिया, बच्चे बच्चे किए, कुछ ना घर बनाने का लफड़ा है, ना कोई शूटिंग शटिंग का स्यापा है, ना कोई मॉल जाना, ना नाचोस खाने, अपना मर जाना है, खत्म हो गया भोगा जीवन को, जो भोगने आए कोई लेन देन नहीं। अब कर्म योनि में हम आ गए मनुष्य, हम एडिशन कर सकते हैं, भोगने के तरीके को चेंज कर सकते हैं, सोचने समझने की, इन्वेंशन करने की ताकत हमारे पास है, तो यानी हमारा ब्रेन ज्यादा डेवलप है। अब हमारे ब्रेन के अंदर सारे टाइम क्या होता है, जीवन जी रहे हैं। छोटा बच्चा भी कह देता है कई बार, पापा हम यहां क्यों आए हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्या कर ले यहां, यानी कि दिमाग कहता है यार उत्तर चाहिए, हमें उत्तर चाहिए भाई। हम कहते हैं यार ये स्वाद नहीं है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, हमारे बहुत नखरे हैं। गाय कभी नहीं बोलती कि आज घास में मजा नहीं आया, कोई लेन देन नहीं होता, वो नहीं कहती कि आज जमीन पे मैंने चाटा जब आटा तो कैसा स्वाद था, जमीन की मिट्टी भी आ गई, वो कुछ शिकायत नहीं करती, हम में बड़ी शिकायत है, ये सही नहीं है, वो गलत है। अब ये खोपड़ी सारा दिन झिकझिक करती है, नखरे करती है, नहीं हाँ सही है गलत है। अब इतनी प्रेशर के बाद इस फर्नेस के अंदर ढेर केमिकल रिएक्शन होते हैं और खपड़ 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 गंदगी बाहर निकलती है। अब कितनी गंदगी बाहर निकलेगी, डैंड्रफ होते हैं, लोगों को कहते हैं ना सिर साफ करो, डैंड्रफ वही होता है, स्काल्प, स्काल्प कहते हैं, सिर के ऊपर की खाल जल जाती है और वो पपड़ी बन के बाहर निकलती है, उससे डैंड्रफ बनते हैं, इसलिए कहते हैं इसको धोते रहो साफ करते रहो। अगर आप गाल साफ नहीं करोगे थोड़े दिनों में गाल पे गंदगी की पपड़ी जम जाएगी, बड़ी स्वाभाविक बात। इसलिए क्या करते हैं जी, खोपड़ी का एक सिस्टम बना हुआ ब्रेन का कि भाई ऐसा है, जीना तो है अब यार, तो यार ये खोपड़ी में तो चल रहा सारा दिन रात खचड़ खचड़, क्योंकि कुत्ते बिल्ली तो हमें नहीं, कुछ ना कुछ चला हुआ दिमाग में, तो क्या करें यार, ऑटो क्लीनिंग सिस्टम बनाते हैं कुछ ऐसा यार, ताकि ना मन मरसा ना जाए। जो मन है वो 12% होता है हमारा, उस मन को शरीर मिलता है, उसका नाम हमने मुन्ना रखा हुआ है, मुन्ना मर ना जाए। मुन्ना कौन है? जिसके कारण शरीर में हम आए। अब हमारी सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है पूरे जन्म में, यार मैं कौन हूं और साला कौन करा रहा है मुझे, यार मुझे समझ नहीं आता, मैं कुछ भी कर देता हूं यार, पागलपन यार, मैंने गाड़ी खरीदने की सोची नहीं थी, साली खरीद के बैठा और मैं गाड़ी खरीदने की सोच सोच के मर गया, पैसे भी लेके हाथ में घूमता रहा, गाड़ी नहीं आई, यार क्या है ये। कुछ लोग एक जन्म में सेल्फ डिस्कवरी कर लेते हैं, कुछ 10 जन्म में नहीं करते, वो सब इकट्ठा होता रहता है बैंक बैलेंस और वो यहां रहता है। अब इस खोपड़ी के अंदर क्या बैठता है, ये खोपड़ी कहती है यार ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए यार, बीच में बुरा तो बहुत लग ही रहा है, ना चाचा पसंद आया, ना मामा पसंद आया, सारी नौकरी पसंद ही नहीं आता थोड़ी देर में, तो यार ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए ना, अच्छा भी तो लगना चाहिए हमें। तो 2-3 तरीके हैं इसके, एक तरीका तो है भोजन के थ्रू, ऐसे कई भोजन है जिसके कारण से हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन नाम का एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम है अच्छा लग रहा है, यानी अच्छा लग रहा है। अब मनुष्य को जब अच्छा लग रहा होता है तो उसके अंदर उमंग आती है, छोटे बच्चे को टॉय मिल गया, अच्छा लग रहा है, पापा अच्छे, पापा मम्मी अच्छी, जैसे हम सुनते हैं हाय हमारा बच्चा हमें प्यार कर रहा है, अब हमें अच्छा लग रहा है, फिर हम उसके लिए टॉय लाए, टॉय उसने तोड़ दिया, फिर जिसके साथ दोबारा हम टॉय खरीदने गए टॉय वाले के पास, भैया वो घोड़ा गाड़ी दोबारा दे दे, वो कहता मजा आ गया इनके बच्चे ने टॉय तोड़ दिया, अब उसे अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। ये क्या अच्छा लग रहा है? ब्रेन में केमिकल निकलता है डोपामीन, इस डोपामीन को भोजन के थ्रू खाते हैं, चॉकलेट में होता है, जब चॉकलेट खाते हैं तो जवान के द्वारा जवान पे आते ही खट्टे से खोपड़ी कहती है क्रंच, डोपामीन, यह हार्मोन निकलता है, यार मजा आ गया भाई, अच्छा लग रहा है यार,
चॉकलेट अच्छी लग रही होती है सबको, ये शराब में होता है। अधिकतर पुरुष, पुरुषों को कम अच्छा लग रहा होता है, ये फैक्ट बात है। फॉरेन में तो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, फॉरेन इंडिया मेरे पास लेक्चर आ जाएगा, नहीं तो विदेश से, इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन वहां ज्यादा स्वतंत्रता है, वहां स्त्रियां भी ज्यादा इजीली ड्रिंक कर पाती, क्योंकि यहाँ पर समाज ऐसा जाने नहीं देते, भाई दारू के ठेके पे चले गए जी, गंदी बात है। वहां वाइन शॉप होती है, पढ़े लिखों की, वहां इजीली जाया जा सकता है। तो यहां पर लफड़ा क्या होता है, यहां पीने नहीं देंगे, सास कहेगी हाँ गंदी बात, अच्छी बात, वहां सास नाम की कोई चीज नहीं है, अपनी अपनी सास सब ले रहे हैं। तो अब वहां भी ड्रिंक करते हैं, अब वो ड्रिंक क्यों करते हैं, क्योंकि उससे डोपामिन निकलता है। अक्सर लोग कहते हैं यार बहुत दुखी हो भाई दारू ने कारण, क्यों, उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास दारू पीने के बाद अचानक क्या होगा, अंदर ब्रेन में अच्छा निकलने वाला हार्मोन आ जाएगा, और ना हम कहेंगे भाई शहनशाह होगा यार थोड़ी देर के बाद, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ड्रग्स में होता है, कोकेन में होता है, ये हमारे ब्रेन को दोबारा से रिवाइव करने वाला हार्मोन है, यानी कि भाई दोबारा से रिस्टार्ट करो यार, सही नहीं है यार ये गेम, सही नहीं हुआ, इसमें टिंकू ने बेमानी की थी, मैं दोबारा से करूंगा, मम्मी बुला रही है, मेरी बैटिंग खत्म। अब उसमें क्या करता है ब्रेन, ये डोपामिन के सर्किट खोलता है, और थोड़ा थोड़ा डोपामिन एक स्त्राव, जैसे ब्लड निकल गया, नाक बहती है, आंख, गला, मुंह से थूक निकलता है, अगर थूक मुंह में ना बने तो जबान सूख जाए, हम बात ना कर सकें, कितना दिक्कत हो जाएगी, आंख में टीयर्स, आंसू के ग्लैंड्स, आंसू ना बनाए तो आंख सूख जाए, पत्थर हो जाए, जलन हो जाए। इसलिए हमारा ब्रेन क्या करता है, दोबारा से आज चमक धमक दोबारा शुरू करो यार, तो जो मन है वो हरा हो जाता है। मन, मन हरा क्यों चाहिए, ये हमारा भूमि तत्व है, ये भूमि तत्व है, ये जल है, ये अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व है हमारे। भूमि तत्व का क्या मकसद है कहने का, ये 12% होता है, ये होता है चुंबक, इस पर 72% जल रहता है, जल ही जीवन है, जल में जीवन है, चिज्जी बनती है जल यहां से, स्वादिष्ठाना से, ये हमारा मूलाधार है, ये स्वादिष्ठाना है, नाभि है, ये दिल का चक्र है, ये चुंबक है, यानी कि जब जब हमारा मन हरा होता है ना, चुंबक सेट होता है। चुंबक सेट क्यों चाहिए, जिस जिस व्यक्ति का चुंबक टूट जाता है उसका पानी बिखर जाता है। हमारी धरती पे जीवन कैसे है, धरती ने पानी को पकड़ रखा है, अब यह ओशन है, समुद्र है, इसका पानी है, नदियां हैं, ये किससे, ये क्यों नहीं बह जाती इधर उधर स्पेस में, क्यों नहीं चली जाती, चंद्रमा रोज गोल घूमता धरती के इर्द-गिर्द, ऐसे घूम रहा है और पानी को इधर खींचता है, फिर यहां किधर खींचता है, फिर इधर खींचता है, इसलिए समुद्र में तूफान चलता ही रहता है, लेकिन पानी छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि चंद्रमा में चुंबक इतनी सी और धरती में 6 गुना ज्यादा। तो धरती के अंदर बीच में गोला है, वो मूलाधार है धरती का, मान के चले सेंटर पॉइंट, जिस चुंबक की वजह से सारे के सारे पानी चिपक के रहता है और उससे हमारा जीवन है। यानी हमारे शरीर जो 72% है, वो हमारा शरीर तब तक डिसइंटीग्रेट, यानी कि टूटेगा नहीं, विखंडन नहीं होगा, खराब नहीं होगा, जब तक हमारा चुंबक स्ट्रांग है। चुंबक कितना स्ट्रांग है यार, तरंग है जीवन में यार, उमंग है, मजा आ रहा भाई। जो लोग कहते हैं अरे सुस्त हो गया, 15 दिन की सुस्ती के बाद उनको बीपी राइज होने शुरू हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बच्चा खत्म है, आवाज चुस्त हूं, जीवन उमंग, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है उसको हर समय, और वो बच्चे बीमार नहीं पड़ते। हम बच्चे को कहते हैं बीमार पड़ गया, ये स्टडी करने की बहुत जरूरत है, ऐसा उस बच्चे के शरीर में बीमारी क्यों आई, क्या चुंबक टूटा है, उसका मन मारा गया है, कुछ दिनों पहले से उसको डांट खानी, डांट देनी, क्लेश करना शुरू कर दिया है, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे की जेते फेर रखी, क्यों, वही दिख रहा है मुलायम सामान, जो कुछ नहीं बोलेगा पलट के, उसका मन फट जाता है और वो बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की हर बीमारी से निजात के लिए आपका मन नहीं मरना चाहिए, मन जिंदा है सब बढ़िया है। मुन्ना मन मर गया, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जो 40 की एज में गुजर गए, 35 में गुजर गए, 32 छोटी उम्र, क्यों, उनका मन मर गया या मन भर गया। जिसका मर गया वो तड़प तड़प के मरता है, यानी कि ये पानी जीवन फटकने लगता है, और जो भर गया वो अपनी मर्जी से शरीर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हो गया यार काफी जी लिया, कोई दिक्कत ही नहीं, वो शरीर को मर्जी से त्यागते हैं, उन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता, मरते वो भी बीमारी से, बीमारी जरूर आएगी क्योंकि चुंबक वीक पड़ गया। ये चुंबक डोपामिन, ऊपर डोपामिन बनते ही हरा हो जाता है, हाँ यार बोलो क्या करना है, मजा हरा भाई करेंगे, पिज्जा आ गया, पिज्जा आ गया, हाँ मजा आ गया, आनंद आ गया, क्या हुआ आपका, अचानक आप में उमंग आई, आपको अचानक घर में पापा बोले बेटा चलोगे आज पिक्चर, हाँ पापा, क्या ताकत आएगी आप में, कैसा मन हरा हो जाएगा। आप एक जगह गए और आपको अचानक गर्लफ्रेंड मिल गई, बनी गई, बल्कि मानते हो मैं तो कट शॉर्ट कर रहा हूं, अब आपने उसने आपको कहा डोसा खिलाओगे, बोले हाँ 80 रुपए का डोसा, आपको पता है जेब में 100 रुपए, पर मना कैसे करूं,
भाई ये पल बिताना ये भूल नहीं सकता, मैं डोसे के बहाने बर्तन मांज लूंगा। अब आपने भोजन करा, अचानक आपने देखा 200 का नोट भी पड़ा है अंदर भाई, मोड़ के रखा हुआ। आपने लगा मजा आ गया यार, डोपामिन, अभी अभी डोपामिन आपका शॉट मारा, खड़ाच। आपने कहा यार ये तो सोचा भी नहीं था भाई, कहां से आ गया, मजा आ गया यार। बॉस है उसके साथ ऑफिस जाता है वो, उसको कल ही पता लगा एक नई सेक्रेटरी रखी हुई है, वो ऑफिस जाता है मरा हुआ, क्या टेंडर पास नहीं, काम नहीं हो रहा साले, वर्कर्स ठीक नहीं है। अचानक कहती है हेलो सर, आप कौन? मैं जूली। वो कहता है डोपामिन शॉट आ रहे। जूली भी देखती है क्या यार करारा बॉस है, उसका भी डोपामिन, दोनों ऑन, दोनों में तरंग, जीवन जीने की उमंग। अगर ये हार्मोन हमारे ब्रेन में ना बने तो हम जीवन के प्रति पंगु हो जाए, अक्सर मन मरने लगता है। इस हार्मोन को बनाना मुन्ना का काम है ताकि वो खुद को सेट रखे। इसलिए ब्रेन क्या करता है, गेम खेलता है, ढूंढता रहता है कुछ चाहिए। अब मजे की बात क्या होती है, ये हार्मोन की एडिक्शन हो जाती है। बच्चा क्या करता है, चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट ही खाता रहता है, फिर उसको रोटी खिला के दिखाओ सर नहीं चॉकलेट दे दो मम्मा, चोरी चोरी खाता है क्योंकि उससे मजा आ गया, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा होता है उसका। एक रसमलाई खाई अच्छा लग रहा हो गया, एक पिज्जा स्लाइस खाया अच्छा लग रहा है उसका, अच्छा लग रहा खत्म नहीं होता। अब वो क्या करता है, 6 स्लाइस का पिज्जा आता है, 4 में उसका पेट फट जाएगा लेकिन वो पांचवा भी ठूंस लेता है, इसलिए कि ब्रेन ट्रिक कर रहा है उसे कि भाई अच्छा लगेगा देख खा के, तो देख पेट फट गया, ब्रेन डोपामिन बना चुका जो बनाना है, एक बार का थूक बन गया जितना बनना है, पेट भर गया फिर कितना खाओगे, मर जाओगे, पागल हो जाओगे, कितना दारू पिएगा आदमी, एक टाइम के बाद बॉडी बेहोश हो जाएगी। तो कहता नहीं होगा, लेकिन वो पांचवा पीस भी खाता है, छठा भी खाता है। छोटी उम्र से ब्रेन को मुन्ना डोपामिन फेंक फेंक के ये संस्कार देता है, और चाहिए और फिर 40-50 के होके हम कहते हैं यार कब तक और की फाइट में लगे रहेंगे, साले पागल होगा यार ये और खत्म नहीं होता यार। अक्सर लोग ऐसे बातचीत करते हैं, भाई तुझे पता है उसने इतने पैसे खा लिए, हाँ, और 500 करोड़ उधर से निकाले, 1300 करोड़ उधर से निकले, 4000 करोड़, बोले हाँ, अबे यार ये पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी कितनी पुश्तों का कमाएंगे, ये साले करते क्या है। अब चक्कर क्या होता है, वो पहली पुश्त का कमा लेते हैं, अब उनको मजा आ जाता है, कहते हैं हाँ यार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ब्रेन का लफड़ा क्या है, मुन्ना हमें माया में फंसाता कैसे है, उसको अच्छा लग रहा है, 1 करोड़ रुपए आ गया, सोचा भी नहीं था, सपने में खाबो ख्याल में पितरों से भी नहीं सोचवाया था, और 1 करोड़ आ गया, वो पागल हो गया खुशी के मारे, बोले आग लगा देंगे। डोपामिन आते क्या हुआ, भविष्य में भाग गया। अभी का व्यक्ति डोपामिन मिलते ही भविष्य में भाग जाता है, कैसी विडंबना है, हमें डोपामिन चाहिए भी और ये हमें भविष्य में ले आता है, मुन्ना के चंगुल में फंसा देता है। अब जैसे हम भविष्य में जाते हैं हम पागल हो जाते हैं। अब एक नियम है इसका, अगली बार आप जब एक बढ़िया जोक सुनेंगे तो आप थोड़ा सा हंसेंगे, सुना हुआ यार, तीसरी बार सुनेंगे कहेंगे अरे मालूम है यार अच्छा है मुझे पता है, चौथी बार आप कहेंगे दूंगे तेरे कनपट्टी के नीचे, अरे बोर कर रहा है अब तू। यानी कि 2-3-4 बार के बाद आपको मजा नहीं आएगा, डोपामिन फिर गिर गया, मन फिर मरने लगा, पिज्जा कितना पिज्जा खाऊंगा, भाई बेटा पिज्जा खा, मन मर गया, मन मर गया है। इसीलिए आजकल छोटे बच्चों के वजन बढ़ रहे हैं और ग्रेविटी डाउन हो रही है, चुंबक गिर रहा है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमें इस पे, क्योंकि हमारे चुंबक के बिना जीवन नहीं चलेगा, और इस चुंबक के पागलपन के चक्कर में हम अपने डोपामिन को बढ़ाते जाते हैं, और यहां से मुन्ना हमारी यात्रा शुरू करता, और चाहिए और चाहिए। जब अगली बार 1 करोड़ आता है वो कहता है इसमें स्वाद नहीं आया यार, अब 2 चाहिए, अब 3 चाहिए, अब 40 चाहिए, अब 1000 करोड़ चाहिए, अब उस नेता को 500 करोड़ नहीं चाहिए। जब अगली बार 500 करोड़ आता है तो उसे किक मिलती है, आज आया डोपामिन अंदर से, यार भाई आज अच्छा लगा है यार, इतनी रकम लेंगे अगली बार भी। अगली बार 500 करोड़ पे फिर डोपामिन नहीं बनेगा, अब 1000 करोड़ पे बनेगा। इसलिए अक्सर लोग बहुत धन कमाने के बाद, बहुत पद पाने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, या पैसा फेंक देते हैं, या बांटते हैं, या पागल हो जाते हैं ड्रग्स ले लेके। वो कहते हैं मजा ही नहीं आ रहा साल आप जिंदगी में, कुछ लुत्फ ही नहीं है। मुन्ना ने आपके ब्रेन में खोपड़ी में डोपामिन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि जैसे पहले सिर्फ 2 पैग से आप कहते थे जरूर है भाई, अब 6 पैग पे भी आप कहते हो सिर में तो दर्द हो रहा सारे चढ़ नहीं रही। इसे बहुत ध्यान से समझना है। हम अपने बच्चों से अत्यधिक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, अपनी प्रेम करने वाली पत्नी अपने संरक्षण देने वाले पति का खून पी जाती है, किस लिए, साला अच्छा नहीं लग रहा है,
अबे अच्छा कैसे लग रहा होएगा? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस अच्छे की खोज में लोग अंधी पैसे की दौड़ में भाग जाते हैं, अंधे पद की दौड़ में, अंधी मारामारी। मेरे को और बड़ा चाहिए घर। जब आप पहली बार अपने पास एक छोटा सा घर लाते हैं, एक कमरे का, दो कमरे का, आप आनंद में होते हो। वो डोपामिन का टाइम है। डोपामिन सर क्या आता है खोपड़ी में और कहता है आऊं क्या, आऊं क्या, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब ये अच्छा लग रहा है एक लत बनने में देर नहीं लगाता मुन्ना, और हमें संसार में फंसा देता है। हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सत्संग हो रहा है जी। हालांकि ये तो क्या बकवासी सत्संग है, बीच में बकबक भी चलती है, पर ये अपनी रॉय क्या कर सकते हैं। अब क्या होता है सत्संग के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, हम सबका डोपामिन मार रहे हैं। और डोपामिन किस रूप में मिल रहा है ब्रेन को? काफी बढ़िया यार, किन चक्रों में फंसे यार, बाकी कितने संतोष है, कितना शांति है यार। और वो डोपामिन क्या होता है, आपका एक नॉर्मल लेवल पे आता है। जैसे कि आपने क्या किया, थोड़े दिन का परहेज किया, फिर दो पैग फिर लिए, मेरे को पैग ही बताने पड़ेंगे, फिर नशा हो गया। अच्छा छोड़ दो, आपने 15 दिन पनीर नहीं खाया और 15 दिन बाद पनीर खाया, आपको फिर भाएगा, आपको भी मजा आ गया यार। इसलिए आपने पत्नी से, मैं तभी कहता हूँ 2.5 मिनट से ज्यादा बात ना करें, क्योंकि जब 10 दिन के बाद आप 20 मिनट बात करेंगे, वो कहेगी हाय फूल खिले गुलशन गुलशन, ये तो पहले जैसे ही कितने रोमांटिक है, क्योंकि आपने कम दिया, आपके ब्रेन को आदत पड़ चुकी है रोज फूल खिले गुलशन गुलशन की। अगले दिन तो फूल भी गंदे लगेंगे यार, रोज रोज फूल ले आते हो, रोज रोज क्यों रबड़ी रसमलाई ले आते हो मेरे लिए। इसलिए सरप्राइज में बड़ा मजा है, पति पत्नी में जब सरप्राइज पैकेज बनता है कि इस चीज का, आज मैं तुम्हारे ये लाया हूं वो लाया, जो रोज ही लल्लो चप्पो कर रहा है बीवी की, बीवी बोर हो जाती है उससे, मतलब इसे भड़क ले जिसने भड़कना। और जो बीवी रोज रोज कहती ना आज पराठे खाओगे, वो 10 दिन हस्बैंड कहता है पागल कर देगी खिला खिला के तू, इसलिए उस साले को तड़पाओ, कभी कभी नमक ज्यादा डाल दो तब कदर करेगा। हाँ जी, सेरोटोनिन एंडोर्फिन्स वो अलग है, आज हम उसको भी ले लेंगे तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इसी पे पूरा लेक्चर सारा रट्टा इस पे मारा, मैं कहां कंफ्यूज कर रहा हूं मुझे यार। वो दूसरे हार्मोन्स है, फीमेल्स में तो और भी ज्यादा हार्मोन्स है, उनमें ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, बहुत लोचे हैं, वहां मत जाओ अभी, मुझे कुछ भी याद नहीं इस बारे में, सिर्फ फर्रे पे चलने दो मुझे, फिजिक्स के टाइम नो केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्जाम तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे जीवन में हमारा ब्रेन हमसे खिलवाड़ कर रहा है। आप सोचें कितनी मजेदार बात है कि ये सब हमारे साथ होता है। अब मुन्ना क्या करता है, अब इसके पास एक बड़ा ताकतवर अस्त्र है, इसकी डिटेलिंग करेंगे हम आगे, पर बीच बीच में और बात होगी। वरी डाल देता है, यार अब तो 2 करोड़ आने पर ही जिंदगी में अच्छा लग रहा होगा, ये तो साला आ नहीं रहा, क्या करें यार, वरी वरी हो गई। अब ये एक शिक्षा दे देता है, भाई अगर ये 1 करोड़ भी चला गया तो साले फिर तो तेरे को जो पहले का डोपामिन चल रहा था इतना मरियल मरियल, अबे उसके बिना कैसे जिएगा, तो अच्छा लग रहा होगा ही नहीं। तभी तो लोग क्या करते हैं, पिट गए, मन में 1 करोड़ भी लुट गया, 5-10 लाख पे आ गया, बर्बाद हो गए, खूब बढ़िया रोते हूँ। मेरे पास तो, मेरे को इसलिए इतनी अच्छी तरह रोने फोने का ड्रामा पता है, अंदर रूम में सब ऐसे करते हैं, वह टिश्यू बॉक्स में इसीलिए काम आता है, फिर रो पड़ते हैं, लुट गए बर्बाद हो गए, तो अब वो रो रहे हैं दुखी हैं, आत्मा दुखी। फिर वो क्या करते हैं, ऐसी कैसी जगह जाऊं जहां खुला रो सके। देखिए बहुत सीरियस मुद्दा है, डोपामिन और रोने का बड़ा भारी शत्रुता आपस में, ये पुरुषों के साथ विशेष लफड़ा है। पुरुष साले बड़े ढीठ होते हैं, रो के राजी नहीं, लेडीज बहुत हिम्मतवर होती हैं, कहीं भी रो लेती हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई देख रहा नहीं देख रहा, आदमी सारे शर्म के मारे मर जाते हैं, यार कोई देखेगा, अच्छा थोड़ी लग रहा है। ये विशेष ध्यान दें, अच्छा लग रहा है के चक्कर के अंदर पुरुषों ने रोना बंद कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, रोते नहीं। अब कहां रो सकते हैं, चलो जो आलिया कोई मैं कह ऐसे कई 4-10 लोग मिल लिए, लेकिन मंदिर बड़ी अच्छी जगह है, मंदिर जाते हैं, भगवान की मूर्ति मिल गई, कोई माता मिल गई, वहां बैठ गए, वहां देखने वाले करे भाई क्या भक्त मिला आज, क्या टक्कर का भक्त है यार, देखा नहीं कबीरदास के बाद यही पैदा हुए। अब हाँ वो रो किसी और कार नजर आए, अंदर से फटने को मन कर रहा है, साला कहाँ रोए, ये बहुत ड्रामा होता है। अब हाँ रो रो कर निहाल हो रहे हैं और कहते हैं यार भगवान तेरे चरणों में, मैं 5 लाख का रह गया, उन्हें नहीं पता साले पैसे के लिए रो रहा है, इसकी नौटंकी दूसरी चल रही है, उसका 1 करोड़ निकल गया, वो कह रहा फिर से मजा दे। अब क्या होता है जब रो लेता है ना, तो बड़ा अजीब सा काम होता है बॉडी का, ब्रेन के गेम देखिए साला बहुत ही मस्त है। मुन्ना ने, ये मुन्ना है हमारा मन, जिसके पास 12% शरीर है, ये अहंकार के थ्रू बहुत स्पीड होती है यहां इसकी, ये तो पत्थर है, जड़ है, आप देखें ये पत्थर को रिप्रेजेंट करता है भूमि, पत्थर क्या करता है, हिलता है नहीं हिलता, जब पत्थर की मूवमेंट की स्पीड आई तो क्या मान के चले, वो जल रूप में
मिक्स हो चुका है और अब जल चलता है, पानी की स्पीड है, पानी इधर से उधर गोल गोल घूमता है, बिना रुके चलता है, रुक जाए तो सड़ जाता है। जब ये चलता है तो मुन्ना की स्पीड होती है बहुत तेज, इसे कहते हैं अहंकार। जिसका मन मर जाता है क्रोध नहीं कर सकता, जिसका मन जिंदा है और उसने कुछ बना लिया अहंकार आ गया, वो कहता है भौं 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 भौं, वो भौंक सकता है, वो चैंचपाड़ करता है। इसलिए पुरुषों की बड़ी भारी समस्या है, उन्होंने क्या कर रखा है, 72 जल है समझे आप, ये जल है, पानी है, ये पानी शरीर के अंदर बांध के रखा है। अब बड़ी एक सुंदर बात है, इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि जिसका तो अहंकार बहुत स्ट्रांग है, बंधा हुआ है, सोचिए ग्रेविटी कितनी अच्छी है, आसानी से शरीर खराब नहीं होगा उसका। और जो बड़ा कहता है नहीं हम तो बड़े नीवे हैं, उसका अहंकार टूटता है और शरीर खराब होना शुरू होता है। साला समझ नहीं आता अहंकार करेंगे ना करें, करें क्या, तो सवाल उठता है कितना करें। इसे साक्षी भाव कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए भाई कितना डांटना है बच्चे को, कितना अहंकार करना है, कितना प्रेम करना है। हम प्रेम इतना ज्यादा कर बैठते हैं कि साला टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, ससुराल वाले फिर आ गए बीच रास्ते में। ये अहंकार का क्या होता है, ये तोड़ना बहुत जरूरी है। ये कब टूटता है, जब जल टूट जाता है, जल टूटता है आंखों से आंसू आते हैं, कईयों को आंखों से आंसू आना छोड़ो नाक बहनी शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अहंकार फट रहा है। लेडीज में बड़ी हिम्मत होती है, ये संसार स्त्रियों के दम पर इस तरह चल रहा है, क्योंकि वो रो लेती हैं, आंसू बाहर आ गए, अहंकार टूट गया, खत्म हो गया, विखंडन हो गया, ठीक हो गया। अब वो मंदिर में जाके पट्ठा रो लेता है, ठीक हो जाता है। फिर कहता है पंडित जी आपके पास आके बड़ा अच्छा लगा, बेटा रोज आओ हनुमान जी के, नहीं तो मंगलवार तो बेटा आओ जरूर और देखो फलाना करो और ढिमकाना करो, और बेटा भगवान तुम्हारी सुनेगा। अब भगवान कैसे सुनेगा, आपका अहंकार यहां टूटना शुरू हुआ, आपने झुकना शुरू किया, आप ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो गए। सारी साइंस खोपड़ी की हमारे शरीर में पड़ी है। बीच रास्ते में मुन्ना क्या करता है, डोपामिन डोपामिन डोपामिन, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। जो तो व्यक्ति पंडित जी की बात समझ जाता है, बेटा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म थे, तो कहता ठीक है फिर नहीं प्रॉब्लम, फिर नहीं, अब मुझे अच्छा लग रहा नहीं करना, अब मुझे यार यही वाला बेटा चाहिए जो अब जैसा मिला कोई बात नहीं यार, जैसा भाई है बिजनेस मेरे भाग में है यार, ठीक है खत्म यार एक्सेप्ट, उसे अच्छा लग रहा चाहिए नहीं। वो व्यक्ति पुनः ऊपर उठता है और भगवान उसकी फिर सुन लेता है, फिर वो कहता है हम तो हनुमान जी के भक्त हैं भाई, अब नहीं आना छोड़ेंगे। हाँ जी सर, मैं इसे रिलेट करूँ कि पुरानी बहुत पुरानी बात सर, एक मैं बिजनेस उसमें गया था इवेंट में, उसके अंदर एक बंदे ने बात बिल्कुल वो बोली थी, कहता है कि जो मेल डोंट गेट इजीली हर्ट, मतलब उनको तकलीफ पहुंचाना आसान नहीं होता, बट आई हैव नेवर सीन मच ब्रोकन थिंग देन अ मेल ईगो, मतलब मेल ईगो से ज्यादा आदमी को चोट पहुंचाना बड़ा आसान है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत आसान है। आप विवाह कर लो पता लग जाएगा, पत्नी के साथ अब आप पत्नी के साथ घर में बैठे, वैसे तो गुनाह है ज्यादा देर बैठना, उसे पिक्चर ले जाओ फट, बिजी रखो उसको, फ्री मत होना दो, क्योंकि वो बहुत फ्री हो जाती है थोड़ी देर में, जो फ्री कर दो फिर वो कहेगी तुम्हारे मम्मी ने, तुम्हारे चाचा, जैसे ही वो बोले बोले अच्छी मेरे सिर में दर्द है भाग जाओ घर से, जैसे ही परिवार पे आए। पर ऐसा होगा सबके साथ होता है। अब वो ऐसा बातचीत करेगी, आप अपनी पत्नी को चार बातें कर दोगे, उसे गाली बक दोगे, वो कहेगी, और वो एक बार कह देगी ना आपकी माई गंदी है, आपका दिल फट जाएगा। आदमी को चोट पहुंचाना बहुत आसान है सर, ये साले पागल होते हैं, सारी दुनिया में युद्ध आदमी कर रहे हैं, अगर ये रो ले ना तो युद्ध ना करें, ये साले रोते नहीं सर। इसमें सोसाइटी का इतना बड़ा सोसाइटी भी तो आदमी ने बना रखी है, पट्ठों ने लेडीज को बोलने का देते हैं, समस्या बोलने का दे, उन्हें भी शिक्षित नहीं होने देते, वो शिक्षित हो जाए तो वो समझदार बना दे। अच्छा बच्चा कौन, जिसकी माँ ने मेहनत करी, अच्छा बाप कौन, जिसकी बेटी ने मेहनत करी, साले करुणा आई दर्द आया तब, नहीं तो वो तो युद्ध ही करते रहते हैं। ये तो शुक्र है युद्ध कर लेते हैं तो शांत हो जाते हैं, अगर युद्ध ना करें तो सारे बीमारों के मर जाए, ये फैक्ट है। स्त्री का बोलना क्या है, बकवास करना, शांत ठीक हो गए। आदमी का बकवास क्या है, भां 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 भां, तूने ये किया, तूने वो किया, सड़े हुए। मेरे पास ऐसे कई वीर बालक आते हैं, सर गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, मैं कहता हूँ बेटा मिट्टी लाओ 35 किलो और पानी लाओ 15 किलो, तुम्हें रेसिपी बताता हूं कैसे बनेगी गर्लफ्रेंड, प्रेम से बनेगी। क्या दे रहे हो उसे तुम, अरे किसी लड़की से मिले प्रेम लाओ, क्या दे सकते हो। आज धरती पे जितने क्लेश युद्ध हुए हैं वो बिना प्रेम की संतानों से हुए, पूरा का पूरा ये चाइनीज साहित्य में इतने हैं, मुगल लोग हैं, औरंगजेब वगैरह क्या थे, ये सेक्स की संतान है, कृष्ण प्रेम की संतान है। साला युद्ध करने के लिए हथियार नहीं उठाया पट्ठे ने, और देव ढेर लगा के फीमेल्स पीछे पड़ी हुई, आज जिंदा नहीं है पट्ठा फिर उसकी भक्त बनी बैठी, क्यों, प्रेम चाहिए स्त्री को यार, उसे प्रेम दो। प्रेम क्या है, केयर, रिस्पेक्ट, उसका ध्यान,
और वो तुम्हारा उससे चार गुना बढ़ा के देगी पलट के। पुरुष भय करता है, लड़ता है। आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तो समझ लें पीछे बैठे जो है वो ज्यादा ध्यान दें, आपको ज्यादा जरूरत है। कोई नहीं, मैं आप पापा आप समझो मत, गलत बात है पापा, ये बेमानी है यार, ये तो सो रहे थे, ये क्या बात हुई, ये तो आप तो वकील निकले। उसके लिए क्या करो, अपने आप को देखो कि आपको किसी से भी कभी भी कोई सी बात करते हुए गुस्सा कितना आता है। अगर आपको गुस्सा आता है, आपके अहंकार बहुत है, आप में अहंकार बहुत ज्यादा है, आप किसी के बाप की नहीं सुनते, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका मुन्ना बहुत स्ट्रांग है। मुन्ना की स्ट्रेंथ की वजह से क्या होगा, भय होगा, क्लेश होगा, क्रोध होगा, प्रेम नहीं होगा। तो आपके अंदर से प्रेम की वाइब्रेशन नहीं निकल रही। आपने गुलाब का फूल लिया, उसमें गुलाब की खुशबू है, चमेली के अंदर चमेली की खुशबू है, आप क्लेशी हो, आप में क्लेश की खुशबू है, आप में प्रेम की खुशबू होगी, आपके पास अपने आप मधुमक्खियां आएंगी। इशारा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गुड। अरे कोई तो भला करे किसी का। सर गुस्सा तो टेस्टोस्टेरोन से भी लिंक होता है। हाँ, टेस्टोस्टेरोन से भी लिंक होता है गुस्सा, पर गुस्सा नहीं, टेस्टोस्टेरोन प्रोटेक्शन भी देता है, टेस्टोस्टेरोन प्रेम का भी सिग्नल है। ये बहुत सारे लफड़े हैं इसमें। फिर एक नया हार्मोन ले आए, मेरे को इस हार्मोन के बारे में नहीं पता, आज नहीं करूंगा बात, और ये मेरा सर्वप्रिय हार्मोन है। सबका सबसे प्रिय यही है, जीवन यही देता है। तो आपके जीवन के अंदर देखो, आप में अंदर खुशबू कौन सी, आप में प्रेम की खुशबू है, आपको प्रेम मिल जाएगा। आप में क्लेश की खुशबू है, आप हर किसी की बात का बुरा मानते रहोगे। जैसा आपका मन करे वैसे चलो, लेकिन मन को तो पहचानो। आपका मन मुन्ना यहां पे क्या कर रहा है, आपको लत डाल रहा है, अच्छा लग रहा है हार्मोन की, और यह कसम है कि अगली बार उतना होने पे अच्छा नहीं लग रहा है, अब आपको और चाहिए। यह सिख धर्म में बहुत पॉपुलर की गई है बात, और बाकी धर्मों में भी कहा जाता है कि शुक्राना करो, यानी कि डोपामिन नहीं चाहिए अब। शुक्र है प्रभु तूने मुझे 1 करोड़ दे दिया, शुक्र खत्म कर दिया यार, नहीं करूंगा, मैंने बनाया, मैं इसने बनाया, अब क्या होगा, अब तो 2 करोड़ में आएगा, अब 2 करोड़ की दौड़ में वो जिंदगी के 4-5 साल और खराब कर देगा। पर सर आपने बताया कि डोपामिन चाहिए, एक किक स्टार्ट, इनिशियल इग्निशन चाहिए, क्योंकि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डोपामिन की जरूरत भी है। तो जब हमें डोपामिन नहीं चाहिए, जो शुक्राना या वो स्टेज पे होंगे, तो मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक लाइफ अहेड, आपका जीवन आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसीलिए साधु संत क्या करते हैं, जीवन वही रोक लेते हैं, करेक्ट, और उसी में आनंद में चले जाते हैं। आपके जीवन में आप बहुत सुंदर, बहुत देखिए, बहुत विरोधाभास है, हमारे अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रियां चल रही है, लफड़ा ये है कि इनका तालमेल रखना है, इनको तारतम्यता से चलाना, समझदारी, तो जीवन में शांति बनी रहेगी। 10 लोग हैं हॉल में बैठे हैं, क्या कहता है बंदा आगे, अभी शांति बनाए रखें, यानी कुछ ना करो। शांति बनाने का मतलब कुछ ना करो, कुछ भी कर ही रहे हो, हम कुछ ना करें जब सीख जाएंगे तो बॉडी के अंग अपने अपना अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लफड़ा क्या है, हम करने बैठ जाते हैं और उस चक्कर में लफड़े शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर शांति कैसे आएगी, जब संतुष्ट हो गए। संतुष्ट कैसे होता है, मनुष्य पेट संतुष्ट होता है, पेट बताता है भाई संतुष्ट हो गया, मन कहता नहीं, अगला शॉट चाहिए डोपामिन का। ये लोग जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, खुद अपने आप परेशान होते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, चक्कर क्या होता है, शुरू में किक मिलती है, सिगरेट पे किक मिल गई यार, डोप, उसी सेकंड ब्रेन इतना कमाल है मुन्ना, वो व्यसन कराता है, व्यसन का देवता यहां रहते हैं और वो भूमि को भी पकड़ते हैं। इसलिए बड़े व्यसनी होते हैं धरती के जो मालिक हैं, बहुत व्यसनी होते हैं, कुछ निर्व्यसनी भी हैं, कुछ गुरु घंटाले वो भी व्यसनी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये अलग हो जाएगा टॉपिक। वो व्यसन क्यों कराता है, उसको डोपामिन शॉट में अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसे नॉर्मल तो अच्छा लग ही नहीं रहा भाई। जो माँ बच्चे माँ बाप से डांट खाते हैं, या जो बच्चे अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, उन्हें अपने माँ बाप अच्छे नहीं लग रहे होते, उनको चाहिए वैसा होता, डोपामिन तब मिलेगा खोपड़ी को, फिर मुझे अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा क्या लग सकता है ऐसे में, सिर्फ प्रेम। इसलिए आप अपने माँ बाप को प्रेम देंगे, आप अपने बच्चे को प्रेम देंगे, ठीक हो जाएगा, डोपामिन रुक जाएगा। डोपामिन की प्रोडक्शन आपको कितनी चाहिए, मान लो उदाहरण, आपको 2 मिलीग्राम अच्छा लग रहा है चाहिए रोज, और यार रॉकेट हो जाएंगे, ये 10 पे होगा, तो आप क्या करेंगे, फुटबॉल मैच देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे, उसमें 10 हो जाता है, एक्साइटमेंट, इंडिया 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 जीत गया, वाह 10 बन गया, डोपामिन का शॉट आ गया आपका। अब अगली बार क्या होगा, इंडिया हार गया, ये 2 बनने भी बंद हो जाएंगे, इससे डिप्रेशन होगी। इसलिए आपको क्या करना है, इंडिया जीत जाए पागल नहीं होना है, आपको 2 मिलीग्राम पे मजे में रोज जीना है भाई। हफ्ते में एक बार पिज्जा खा लिया, स्वाद भी जिंदा रखा, ये भी नहीं किया, नहीं पिज्जा नहीं खाएंगे, पिज्जा नहीं खाएंगे, नो नो, जिद जिद जिद, डिप्रेशन हो जाएगी, ग्रेविटी टूट जाएगी।
आपके मन मन को समझे, आपके अंदर अचानक कोई बोलता है यार आप पिज्जा खाएं, आप सोच के देखना आपको अचानक इच्छा होगी, आज गार्लिक ब्रेड खाते हैं, आज यार चाउमीन खाते हैं, पता नहीं यार साला कौन बोलता है, ये कौन बोलता है, आपके अंदर उमंग बनी रहे। वाइफ कहती है हस्बैंड को चलो ना आज वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, हस्बैंड कहता दफा मेरा डोपामिन बन बना लिया, अभी दो पैग लूंगा उसी में बन जाएगा, मुझे नहीं करना। वो कहती है मेरा तो डोपामिन बना नहीं, वो अगले दिन शॉपिंग जाती है। डोपामिन का मतलब समझे, अचानक